तो हम सब भारतवासी जब भी खुद को बेहतर बनाने की सोचते हैं, इंग्लिश सीखने का काम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। मतलब बचपन से हमें बताया गया है कि अगर हमें अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी तो हम इंटेलिजेंट नहीं बन पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सोसाइटी में फिट नहीं हो पाएंगे और इज्जत वो तो कोई करेगा ही नहीं। बेटा इंग्लिश में बात किया कर, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमता है। अरे बेटे की इंग्लिश तो बहुत अच्छी है आपके। लोग ये नहीं सिखाते कि अपना काम अच्छे से करो, नई नई चीजें सीखो, लोगों के साथ अच्छे से रहो, बस इंग्लिश का शो ऑफ करते रहो। क्या बकवास है ये। इंग्लिश सीखने की चाह हम सब लोगों के अंदर इतनी भरी है कि हमारे लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक खुशहाल, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल लाइफ जीने का एकमात्र रास्ता है। मेरी वीडियोस के नीचे मैंने देखा है कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोले, क्योंकि सबको यही लगता है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, लोगों के आगे इज्जत कैसे बनेगी। मतलब आधे से ज्यादा लोगों को इंग्लिश इसलिए नहीं सीखनी कि उनके काम आएगी या उनको एक और लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, उनको इंग्लिश इसलिए सीखनी है ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सके, बाकी लोगों के आगे अच्छा इंप्रेशन जमा सके। मतलब सच बताऊं, सोसाइटी ने ना हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कूड़ा किए हुए हैं। अगर आप गहराई में जाके देखो तो इंग्लिश और कॉन्फिडेंस का आपस में कोई मतलब है ही नहीं। एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी कॉन्फिडेंट हो सकता है और जिसकी इंग्लिश अच्छी ना हो वो भी कॉन्फिडेंट हो सकता है। I want that on record again. Were you told when you were becoming captain that aap English nahi bol sakte, isliye aap kaptan nahi ban sakte? No, I think I'll tell you. Isko kaptan banayenge, ye to English nahi bol sakta. To maine kaha Oxford se kisi ko bulao. Jab mere se baat pahunchi, I said Oxford se kisi ko bulao. Ye country thoda sa pagal ho gayi hai ki inko English ka janoon hai. I said English is a language which you learn and you can express yourself. And one person wrote, he speak like Punjabi accent. I said, मैं Oxford से नहीं आया हूँ भाई, मैं पंजाब से आया हूँ तो मेरा पंजाबी accent होगा ना। And here, some of the English speaking people, they just take a plane to America and come back. You know how it has happened? It's exactly what we want. इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है और पता नहीं हम क्यों नहीं उसको एक लैंग्वेज की तरह देखते, जैसे स्पेनिश होती है, जर्मन होती है, जैसे कोई भी और लैंग्वेज होती है। उसके आगे पीछे पता नहीं हमने क्यों इतने तामझाम जोड़े हुए हैं कि भैया अच्छी इंग्लिश जिसको नहीं आती वो तो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो तो बेकार होता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो बड़ा इंटेलिजेंट और 30 मार्का होता है। तो मैं करीब 3 साल US में बिता चुकी हूँ और मैंने वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग देखे। एक फ्रेंच आदमी, एक वियतनामीज आदमी इतना टाइम वहाँ काम करने के बाद भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उसकी वजह से वो खुद को औरों से कम नहीं समझते या वो ये नहीं सोचते कि और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं तो औरों से अच्छा नहीं हूँ। जिस काम को करने के लिए वो उस देश में आए हैं वो काम वो अच्छे से करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका ध्यान उस पर है, इस पर नहीं कि वो उनकी लैंग्वेज अच्छे से बोल पाते हैं नहीं बोल पाते। जितनी लैंग्वेज उनको कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए, जितनी इंग्लिश बातचीत करने के लिए आनी चाहिए, वो उनको आती है और बात समझ में आ जाती है। बस एक अंग्रेज जब इंडिया आके टूटी फूटी हिंदी बोलता है तो बड़ा क्यूट लगता है लोगों को, तुम आती हम जाती, ओ ही सो क्यूट। और अगर कोई इंडियन आर की जगह इज लगा दे, डू की जगह डिड लगा दे तो बहुत हंसी आती है आपको, मतलब ये कैसा व्यवहार है यार, इसके साथ अलग उसके साथ अलग। किसी भी इंसान को कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने में मुश्किल होती है, टाइम लगता ही है, और किसी भी अलग लैंग्वेज की तरह अगर आप उसे यूज़ करते रहोगे, सीखते रहोगे टाइम के साथ, तो वो आपकी लैंग्वेज अच्छी हो ही जाएगी। पता है क्या, जब आप इंग्लिश को बस एक लैंग्वेज की तरह देखोगे, उसको बोलना बिना किसी झिझक के सीखोगे, जानोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उसको सीखना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि अगर अब आपके मन में यही रहेगा, ओ मैंने बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी बाहर खुल ही नहीं पाओगे, अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपकी इंग्लिश, आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेटर हो ही नहीं सकती। वैसे अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो मेरे पास आपके लिए एक ऐप भी है। तो कैम्बली इंडिया की एकमात्र एक ऐसी ऐप है जिसमें आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी कर सकते हो, और इसके अंदर आपको 1-on-1 प्राइवेट लेसन्स मिलेंगे अलग अलग ट्यूटर्स के साथ। इस ऐप में जाकर आप अपना कोर्स चूज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, आपको कौन सा प्लान लेना है, कितने महीने के लिए सीखना है वो सब डिसाइड कर सकते हो। अपना प्लान चूज करने के बाद आप अपना ट्यूटर भी चूज कर सकते हो।
इस ऐप के अंदर हजारों ऐसे ट्यूटर्स मौजूद हैं जो अलग अलग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे US, कनाडा, UK से आपकी क्लासेस लेंगे। तो इस ऐप में जाकर अगर आप PD25 कोड डालोगे तो आपको 3 मंथ के प्लान पे, किसी भी 3 मंथ के प्लान पे 25% ऑफ मिलेगा। तो ये बात सच है कि यार हमारी डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ होती है, जगह जगह हमें बोलनी पड़ती है, तो हमें उसको एक लैंग्वेज की तरह सीखना चाहिए और एक लैंग्वेज की तरह देखना चाहिए। मतलब दुनिया में इधर उधर लोगों को देखने के बाद, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद मैंने ये जाना है कि इंडिया में ही ना ये अलग ही हवा बनाया हुआ है इंग्लिश के अराउंड कि अरे ये इंटेलिजेंट और वो इंग्लिश सीखने वाले, जिनको इंग्लिश अच्छी आती है वो इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी सब बकवास होते हैं। ये सोच ही पूरी बकवास है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि सारा टाइम वो इसी शर्म में होते हैं कि यार मैं इंटेलिजेंट नहीं लगूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, लोग सोचेंगे इसको तो कुछ नहीं आता। और जब आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हो ना, तो आपका ध्यान कोई लैंग्वेज सीखने पे या उसको यूज़ करने पे कैसे हो सकता है? कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, सक्सेस अच्छी इंग्लिश बोलने से नहीं आती, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने अपने आसपास देखे ही होंगे। जो भी इंसान आज सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसकी इंग्लिश भी फर्राटेदार हो। अगर आपको अपना काम अच्छे से आता है तो आप भाषा कैसी भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भाषा बस दूसरे को समझ आ जानी चाहिए, इतना कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए कि दूसरे को क्लियर हो जाए आप कहना क्या चाहते हो। पर ये जो शोबाजी वाला गेम है ना, प्लीज़ इसको ख़त्म कर दो। और ये तभी ख़त्म होगा जब हम खुद को अंदर से क्लियर कर लेंगे कि इंग्लिश का इंटेलिजेंट दिखने, अच्छा दिखने, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो एक लैंग्वेज है जो कहीं काम आती है तो हम सीख लेंगे, नहीं आती तो हम नहीं सीखेंगे। और अगर आप अभी इस स्टेज पे हो कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको ज़्यादा ओवर एक्टिंग या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी नहीं है। ये एक्सेप्ट करोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो कोशिश करोगे कि हाँ यार मैं सीख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, और जो है वो एक्सेप्ट करो। और किसी, अगर आप लोगों के आगे खड़े भी होते हो, आपको लगता है कि यार मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है, मैं इनको कैसे बोलूँ, उनको बोलो कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, हर किसी की दूसरी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, कभी आपने ढंग से सीखी नहीं तो आपको नहीं आती। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट मिले, आप भी अच्छे से इंग्लिश सीखने लगो, तो सीख भी जाओगे, उसमें क्या अलग है। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही था कि यार जब भी लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दिखो, अच्छी स्पीकिंग बोलो, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात मत करो, लोग तुम्हें कम समझेंगे। तो मैं इस वीडियो के द्वारा ये कहना चाहती थी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब दिखावा नहीं है। आपको जो चीज़ करनी है वो आपको इसलिए करनी है क्योंकि उससे आपकी लाइफ बेटर होती है, क्योंकि आप वो करना चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि सोसाइटी में वो अच्छा दिखता है, इंग्लिश बोलेंगे तो ही अच्छे दिखेंगे, इसलिए नहीं। इंग्लिश इसलिए सीखो क्योंकि आपको सीखनी है, अपने आप को बेहतर इसलिए बनाओ क्योंकि आपको बनना है और आपको मज़ा आता है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर खुद में कमियाँ हैं तो उनको एक्सेप्ट करना सीखो, 4 लोगों के आगे ये बोलना सीखो कि मुझे नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को हर चीज़ नहीं आती, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और शर्म, झिझक, ये सब कुछ जानने से कम नहीं होती, क्योंकि आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता होगा। आप कहीं सिचुएशन में पड़ोगे, कुछ लोगों के आगे खड़े होगे, 100,000 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। इसका मतलब यही नहीं कि आप किसी से कम हो या कोई किसी से ज़्यादा है। तो बजाय उसको छिपाने के कि मुझे नहीं आता और ओहो मैं कैसे बताऊं, एक्सेप्ट करो और सबके आगे बोलो कि मुझे नहीं आता। मैं बता रही हूँ, अगर ये एटीट्यूड आप रखोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी दिखोगे और आपकी ज़िंदगी आसान भी बनेगी। मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक फ्रेंड था जिसकी इंग्लिश मेरे से भी बहुत ख़राब थी, और लिटरली जब टीचर उसको इंग्लिश में बोलने के लिए बोलती थी तो वो फुल ऑन बोलता था, फुल ऑन, मतलब बाकी बच्चे हंस रहे होते थे वो फिर भी बोलता जाता था। और ऐसा नहीं है कि जो लोग हंस रहे हैं उनको कुछ ज़्यादा अच्छी आती है, ऐसा कुछ है, या उसकी ख़राब है, उसकी ख़राब थी, लेकिन उसको इस बात से शर्म नहीं आती थी कि मेरी कोई बेइज्जती कर रहा है, मेरे पे कोई हंस रहा है। उसको एक्सेप्टेंस, हाँ मेरी अच्छी नहीं है, मैं फिर भी ट्राई करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। असली कॉन्फिडेंस वही है। आप बेटर पर्सनैलिटी अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छी इंग्लिश बोलने से नहीं बनोगे, आप बेटर बनोगे नई नई चीज़ें सीखने से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से, और खुद को हमेशा चैलेंज करने से। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ आया होगा जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी। और इंग्लिश को बस एक लैंग्वेज की तरह लो यार, उसके आगे का ताम झामना जो लोगों ने पाला हुआ है उसको खुद मत बढ़ाओ आगे, उसको अपने तक ख़त्म कर दो, ताकि ये चीज़ें, ये फालतू की चीज़ें आगे ना जाएँ, आप तक ही ख़त्म हो जाएँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ यहीं तक ये सिलसिला ख़त्म ना करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और घंटी भी दबा दो और मुझे प्यारे प्यारे अपने कॉमेंट्स दो और मुझे बताओ कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।